हाय एवरीवन, आई एम नेहा, फाउंडर ऑफ राजकुमारी ड्रेस अप्लाई द प्रिंसेस। और जो ये नाम है राजकुमारी, ये कहाँ से आया, आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो मिलवाती हूँ आप लोगों को एक स्पेशल पर्सन से, जिसकी वजह से हमने इंस्पायर होकर के हमारा ये बिजनेस शुरू किया था एक रूम से। और आज हमारे पास मोर देन 70+ एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं। तो वो जो नाम हमने रखा था राजकुमारी, वो हमने एक्चुअली मैं अपनी मम्मी के नाम पर रखा था। मेरी मदर का नाम है राजकुमारी। और जब हम अपने ब्रांड को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही क्लिक हुआ कि इसका नाम हम राजकुमारी रखेंगे। और उसी के बेस पे फिर मैंने टैगलाइन डिसाइड करी, ड्रेस अप लाइक अ प्रिंसेस। मतलब हमारा जो ब्रांड है, वो एक किसी भी कपड़े के जरिए, ड्रेसेस के जरिए लोगों को ये फील दिलाना चाहता है कि एवरी गर्ल इज अ प्रिंसेस। तो ये हम आउटफिट्स के जरिए हम लोगों को ये फीलिंग देना चाहते हैं। एक बजट फ्रेंडली, एक अफोर्डेबल रेंज में हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कोई भी गर्ल किसी भी स्टेटस की या किसी भी क्लास की, सभी के ऊपर वो ड्रेसेस ऐसी लगनी चाहिए, उसे एक प्रिंसेस वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो ये ओवरऑल मोटिव था हमारे ब्रांड का। और जो नाम रखा है वो हमने अपनी मम्मी के नाम पर रखा है। इनका नाम है राजकुमारी शर्मा। और इन्हीं से इंस्पायर होके, क्योंकि मम्मी ने भी इनिशियली अपना एक, हमारे होम टाउन में बुटीक चलता था मम्मी का, और बहुत सारे लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है, जिस ट्रेनिंग की वजह से कई लोग अपने रोजगार कर रहे हैं। बहुत सारे जो आसपास के गांव की लड़कियां आती थी हमारे मम्मी के पास, और वो इनसे सिलाई सीखती थी। काफी लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें बिल्कुल भी लिखना पढ़ना तक नहीं आता था, उन्हें भी मम्मी ने इस काबिल बनाया है। आज वो अर्न कर रहे हैं अपनी फैमिली का और अपना खर्चा भी चला रहे हैं। तो मम्मी से मुझे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। और कभी भी मैं बहुत ही ज्यादा अगर लो फील करती हूँ, क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं, कभी अच्छा चलता है कभी खराब चलता है, जब खराब चलता है तो बहुत ज्यादा रोने का मन करता है, दुख होता है, तब मैं अपनी मम्मी से जब 2-3 मिनट बात कर लेती हूँ और फिर मुझे फिर से मोटिवेशन मिल जाता है और वही जील दोबारा से वापस आ जाती है काम करने की और सब चीजों को दोबारा से करने की, जो मैंने एक फैसला लिया है अब मुझे उस पर स्ट्रिक्ट रहना है और डाइवर्ट बिल्कुल भी नहीं होना अपने एम से। तो सारी सारी इंस्पिरेशन का सोर्स मेरी मम्मी है, जो कि आज आपके सामने बैठी हुई है। अब मम्मी भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी कि उन्हें कैसा लगता है हम लोगों को ऐसे काम करते हुए देख करके। हेलो, आज मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक अभिवादन। आज जहाँ पर मेरे बच्चे हैं, उनसे आज हमें बहुत खुशी हो रही है। और ये नहीं है कि आज लड़की है या लड़का है, जो भी करता है अच्छे के लिए करना चाहिए। उसकी परवरिश भी इस तरह से करो जो बच्चे आगे कुछ कामयाब हो सके। और हर पेरेंट्स ये चाहता है कि वो बच्चे एक अपने स्वार्थ से बड़ा करता है, क्योंकि आज अगर वो छोटा है कल बड़ा होगा और हम बुजुर्ग होंगे। तो हमें एक स्वार्थ बच्चों से होता है कि उनको कामयाब बनाए, जो हमें लास्ट में पूरा सहारा मिलता है। और यहाँ पर हम कहना चाहूंगी कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, किसी भी जगह से हो, तो उसको इतना तो करना ही चाहिए कि आज के समय में वो अपना स्टैंड हो सके। और बच्चों की जो कामयाबी होती है माँ बाप के लिए असीम होती है, वो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मेरे पास जब ऐसा समय था, बच्चे छोटे थे, तो हमने भी सोचा, इनके पापा डॉक्टर हैं, डिग्री होल्डर, लेकिन हमने भी सोचा साथ में बैठ के क्या करेंगे। हमारी अपनी ट्रेनिंग थी, 2 साल का हमारा कोर्स था गवर्नमेंट से, तो हमने भी अपना शुरू किया और करने में ट्रेनिंग डाली। तो पहले कुछ थोड़े बच्चे आए, फिर ज्यादा आए, फिर 2-3 बैच में हमने ट्रेनिंग दी। आज हमारे पास कम से कम 100-150 बच्चे अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जब कभी भी मिलते हैं, वो बोलते हैं मैंने इतना किया, तो मुझे असीम खुशी होती कि हाँ चलो, किसी की वजह से, किसी भी परिस्थिति में। और ये काम ऐसा है कि बच्चे घर में भी रह के कर सकते हैं, इनको कहीं बाहर नहीं जाना। गांव में है बच्चे, तो अपने परिवार का काम देख के घर में भी लोग आते जाते हैं और उनकी अर्निंग होती है। आज भी वो इतने मजबूत है कि किसी का कोई भी वक्त आए आराम से निकल जाएगा। और अपने मुकाम पे अपने बच्चों को देख के जो खुशी है, उसको हम बयान नहीं कर सकते। धन्यवाद।